गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि फॉरेस्टर के लिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट का, तो फॉरेस्टर यूके ट्रिपल एससी रिजल्ट जारी करने वाला है और बहुत ही जल्दी जारी करने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दरोगा की भर्ती आ गई है, मतलब आ गई है, बस नोटिफिकेशन रिलीज होना बाकी है। 197 पोस्ट है और आपकी कॉन्स्टेबल की आपकी टोटल पोस्ट है कितनी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1521। तो मान के चलिए आपके पास दरोगा कॉन्स्टेबल दोनों के लिए ही मौका है और अच्छा खासा आपके पास रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसकी जो है शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका देख लीजिएगा, जो दरोगा का है और जो कॉन्स्टेबल का है दोनों ही डिफरेंट है। जो कॉन्स्टेबल की फिजिकल है वो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन दरोगा का थोड़ा ईजी है। तो आप मान के चलिए, और जो आपका फिजिकल दरोगा के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और आपका कॉन्स्टेबल के लिए 12वीं पास चाहिए, 12th चाहिए। तो देखिए, आपको सारी चीजें पता चल चुकी होंगी, सारी दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियोस बन गए हैं और आपने भी खबर सुन ली भी होंगी। लेकिन आप, बहुत बड़ी बात है कि तैयारी कैसे की जाए, कैसे पेपर निकलेगा। भाई, वीडियो बीपीडीओ के पेपर जो देखे हैं ना आपने, उसी लेवल का पेपर दरोगा का भी आएगा। उससे एक लेवल ऊपर हो सकता है, पर उससे एक लेवल नीचे नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी है कि दरोगा का जो पेपर आएगा वीडियो बीपीडीओ से एक लेवल ऊपर ही आएगा, एक लेवल नीचे नहीं आएगा। तो मान के चलिए उसी तरीके से तैयारी करिएगा। आप ये मान के चलिए कि आपको 70-75 मार्क्स करने हैं, क्योंकि 65 से कम पे तो मार्क इसकी जाएगी ही नहीं कटो, जैसा कि लगता है कंपटीशन को देख करके, कि उत्तराखंड वाले स्टूडेंट सभी उत्तराखंड भर भर के पढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए आपके जो दिमाग में होना चाहिए कि जो आपकी जो तैयारी है वो इस तरीके से हो कि आपने अजय सिंह रावत बुक कर रखी हो, परीक्षा वाणी कर रखी हो, साथ ही में आपने जो विन सर की ईयर बुक है वो भी कर रखी हो, और साथ में करंट अफेयर्स और ऑल इंडिया जीके लुसेंट से पढ़ रखी हो। तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा इसमें। पर उत्तराखंड का वेटेज अच्छा खासा आएगा, 40 मार्क्स का। तो उत्तराखंड जिसकी स्ट्रोंग है, आई थिंक वो इसमें बाजी मार जाएगा। और हिंदी भी 20 नंबर की बहुत मायने रखती है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। जैसा कि आयोग से अभी कंफर्मेशन तो ये मेल्स के थ्रू हुई है, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है कि 100 नंबर का ही पेपर होगा। अगर 100 नंबर, जैसे कि मेल दिखा रहे हैं काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, अगर 100 नंबर का ही पेपर रहेगा तो देखिए वीडियो वीपीडियो लेवल का पेपर आएगा, उससे एक लेवल ऊपर ही मिलेगा। तो मान के चलिए 65+ आपका सिलेक्शन होगा, इससे कम पे तो होने वाला है नहीं। तो मेहनत दबा के करनी है आपको। 197 के लिए आपको ये दरोगा बनना है तो बहुत अच्छे खासे 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड की जॉब है वो, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि कॉन्स्टेबल देखिए, ये बहुत टाइम बाद वैकेंसी आ रही है और स्टूडेंट्स तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो आप लग जाएंगे। फिजिकल पहले होगा, तो जो बच्चे वैसे हैं वो तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, कोई उसमें रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब आपके लिए एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि फॉरेस्टर का जो रिजल्ट है आने वाला है और इसके लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, फॉरेस्टर का जो रिजल्ट है आने ही वाला है और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने इसकी कट ऑफ बना ली है। डेटा मैंने सारा का सारा ले लिया है, आपको बस मुझे शो करना है। तो देखिए, जो मैंने कट ऑफ बनाई है ये, हालांकि मैंने नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आपको मिलेगा और फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में देखिए 3 गुना बच्चे या 2 गुना बच्चे जितने बुलाए जाते हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो कितने पे लगेगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जैसा कि आपको पता है कि मेरे ख्याल से 20 दिन, 20 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 10 दिन हुआ था शायद, तो मैं तो भूल भी गया कितनी शिफ्टों में, क्योंकि शिफ्टें काफी सारी थी, 18 शिफ्टें, 20 शिफ्टें ऐसी थी, तो उनमें काफी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है आपको क्या कैसा है कैसा नहीं, देखिए नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा उसकी वीडियो मैंने डाल दी, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। तो देखिए, जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनल सिलेक्शन में जिनका होगा उनके लिए मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हो जाएगा और ऐसे कितने बच्चे हैं। देखिए, 80+ में बच्चे मुझे बहुत रेयरली मिले थे, मेरे सामने 4-5 बच्चे थे जो 80+ बता रहे थे, बाकी के कुछ जो मतलब बच्चों की मेजोरिटी मिली थी वो 60 से 70 के बीच में मिली थी, 70 से 80 के बीच में भी मुझे बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिले हैं। तो मेरे पास जो डेटा है 400-500 स्टूडेंट का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे कट ऑफ लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 400-500 स्टूडेंट्स वो हैं जो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे नहीं, वैसे तो बहुत सारे मार्क्स का डेटा है, पर जो अच्छे मार्क्स हैं उनका डेटा बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए, मेल में आपका 70+ जाएगी कम से कम, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। मैं पहले मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, जनरल की 70+ कम से कम, अभी आगे बताऊंगा। इसमें +-2 करके रहिएगा, +-2 होगा, +-2 आपका रहेगा। फाइनल आपका रिजल्ट जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, 70+-2, 70+ मतलब 70+ आपका स्कोर है, या प्लस माइनस, जो मैंने साइन लगाया ना प्लस माइनस, यहाँ पर +-2 साथ में ऐड करते हुए चलिएगा, 68 या 72, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ 70 का मतलब है कि 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, एससी ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में आपका 68, एससी में 66, एसटी में 64 और एक्स सर्विसमैन 55। ठीक है,
जर्नल 67, अब सॉरी ये फीमेल की आ गई, फीमेल की बता रहा हूँ मैं, अब जर्नल में 67, ओबीसी में 65+, ईडब्ल्यूएस में 65+, एससी में 58+, एसटी में 54+, और आपका एक्सर्वेशन 50+। देखिए यहाँ प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है जिसके बाद ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कट ऑफ आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए बताई है, फिजिकल के लिए नहीं बताई है। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन इस पे हो जाएगा और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, और नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बनाइए देख लीजिएगा, सही है। अब आप बात करते हैं फिजिकल। देखिए फिजिकल आपका रिजल्ट आने के बाद ये आपका पॉसिबल है कि अगर ये जैसा कि स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि 15 जनवरी को आएगा रिजल्ट, 15 जनवरी को आएगा, 15 जनवरी से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है मान लिया 1% या मान लिया 99% आपका रिजल्ट 15 जनवरी को भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, 15 जनवरी को आने के बाद आपका जो फिजिकल है कम से कम उसमें 1 महीने का समय मिलता ही मिलता है, कोई 10 दिन 15 दिन का समय नहीं, आपको 1 महीने का समय मिलेगा, कम से कम 20 से 25 दिन का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मान के चलिए आपका फिजिकल ये फरवरी में करवा लें, अगर फरवरी में नहीं करवाएंगे तो आपका जो ये जो फिजिकल है ये आपका फिर पहुंच जाएगा अप्रैल के बाद, मतलब मार्च के बाद, तो अप्रैल या मई में आपका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, और फिजिकल की डेट जैसे ही रिजल्ट आएगा फिजिकल की डेट भी उसमें मेंशन कर दी जाएगी कि आपका फिजिकल कब होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत तेजी से होगा क्योंकि बहुत टाइम से भर्ती अटकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले रिजल्ट आ जाए फिर फिजिकल के लिए बताया जाए, आपका जब रिजल्ट आएगा उसके साथ में फिजिकल की डेट भी अटैच होगी और आपको पता चल चुका होगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि मैं दरोगा के लिए आपको बताया कि इस तरीके से आपका आने वाला, ऐसी लेवल स्टैंड की तैयारी के लिए भी मैंने आपको टिप्स दिए थे पहले से ही कि देखिए लूसेंट की साइंस की बुक आती है, उसके साथ में आप स्पार्क की बुक खरीद सकते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही साइंस की अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया बुक है, तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ही बहुत बढ़िया बुक रहेगी, साथ में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है तो 9th 10th की तो मस्ट है कि पढ़ के ही जाइएगा, 11th 12th भले ही स्किप कर दीजिएगा, वो भले ही एक बार को आपको लेंथी लगे लेकिन आपके पास टाइम है तो उसके जो वन लाइनर आते हैं एनसीईआरटी के वो पढ़ लीजिएगा, 11th 12th का वो बेस्ट रहेगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो अब ये आपका दरोगा भर्ती है आ रही है और कांस्टेबल भर्ती आ रही है, इसका जो फिजिकल होगा सबसे पहले होगा, और ये फिजिकल आपका मुझे लगता है ये मई जून में करा लिया जाएगा, मई जून में आप इसका फिजिकल करा लिया जाएगा, उसके फिर 2-3 महीने बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी, तो मान के चलिए अक्टूबर नवंबर 2022 का लग जाएगा जब इसकी परीक्षा होगी, उससे पहले इसकी परीक्षा तो होने वाली मुझे नहीं लगता कि होगी, तो आपके पास टाइम है। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो फिजिकल के लिए 3 महीने में आपकी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो जाएगी और अपनी तैयारी आप कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं और जो मुझे पता चला है। अब आप पूछेंगे मेल, आपने मेल किया, आपने किससे बात की, आपका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि रिजल्ट 15 जनवरी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी जल्दी जारी होगा वो देखने वाली बात होगी, मोस्टली चांस है कि आपकी जो डेट अटैच होगी जैसा कि मुझे पता लगा है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैंने सारी चीजें शेयर कर ली हैं वीडियो में, इतना ही, और दोबारा रिपीट करना कोई अच्छी बात है नहीं, तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।